गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,437 पहुंच गया है। इनमें 21,005 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 363 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 69 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के चरगावा में एक मरीज मिला है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।